आदेश माँ भगवती को अलख आदेश, रांची वाले भैरव बाबा को अलख आदेश, आप सभी को आदेश आदेश। आज का ये वीडियो उन सभी सब्सक्राइबर्स के लिए है जिन्होंने लगातार मैसेज किया है कि कोई ना कोई उनके परिवार का हमेशा अहित चाहता है या उनके व्यापार का हमेशा अहित चाहता है। सट कर्मों में 9 तरह के कर्म होते हैं, कहते हैं उसको सट कर्म है, लेकिन उसका जब विभाजन होता है तो 9 तरह के कर्म होते हैं। जैसे कि मोहिनी और वशीकरण, दो कर्म जो है वो वशीकरण के अंदर आता है। उसी तरीके से जब शत्रु मर्दन का विषय आता है तो उसमें एक जो तंत्र है उसको उच्चाटन तंत्र बोलते हैं। उच्चाटन तंत्र में क्या होता है कि जो भी आपका शक्ति शत्रु है वो शक्ति छिन्न हो जाता है मानसिक रूप से, वो ये समझ नहीं पाता है कि वो आपके विरुद्ध क्या करे, ठीक है, वो आपसे कैसे लड़ाई करे, वो बिल्कुल ही मानसिक रूप से पंगु हो जाता है। ये जो साधना दे रहा हूँ ये महाभैरव तंत्र से है, ये काफ़ी तीव्र तंत्र है, इसको करना बहुत आसान नहीं है, खुद नहीं कर सकेंगे तो किसी अघोर साधक से कराएंगे, और ध्यान रखेंगे कि गलत प्रयोग अगर आप करेंगे या किसी ऐसे व्यक्ति पर प्रयोग करेंगे जो आपका गलत नहीं चाहता हो, जो भागवत भक्त हो, तो आप ये समझ लीजिए कि ये तंत्र वापस आप पर आएगा ही आएगा, आप चाहे उसके बदले में 10-1 बलि दे दें, ठीक है। तो बिल्कुल ही शुद्ध मन से इसकी साधना करेंगे, अगर ज़रूरत है तभी करेंगे, और इसकी साधना अगर खुद नहीं कर सकते हैं तो किसी साधक से करवाएंगे, ठीक है। क्या है ये साधना? इस साधना में भैरव जी ने बताया है कि शमशान काली का एक मंत्र है, उस मंत्र को साध लेने से शत्रु का उच्चाटन हो जाता है। इस मंत्र का 9 दिन में 1,00,000 जाप किया जाता है और 10वें दिन 1,000 जो है दशांश हवन करने के पश्चात उस शत्रु के नाम से 108 बार अगर आप हवन कर देते हैं तो उस शत्रु का उच्चाटन हो जाता है। सामग्री क्या क्या चाहिए होगी? सबसे पहले, क्योंकि श्मशान में साधना है तो वस्त्र का कोई भी जो है भेद नहीं बताया गया है। दूसरा, श्मशान में आप कभी भी आसन लेके नहीं जाते हैं, जो आसन होता है वहाँ जो भी कफन हो उस पे ही बैठा जाता है, ठीक। तीसरा, इसमें सरसों का दीपक जलाएंगे हम 9। हर रोज़ कुछ ना कुछ जो भोग है वो लेके जाएंगे, वो भोग जो है हमेशा तामसिक भोग होना चाहिए, ठीक है। तामसिक भोग में कई तरीके का दाल भी आता है, कुछ फल भी आते हैं, कुछ सब्जियां भी आती हैं, साथ में मांस और मछली ये भी आता है। तो 9 दिन अलग अलग प्रकार का भोग ले जाएंगे, रोज़ थोड़ा थोड़ा कारण लेकर के जाएंगे जो वहाँ पर चढ़ाएंगे, ठीक है। सर्वप्रथम आप वहाँ बैठेंगे और एक सुरक्षा घेरा बना लेंगे। उस सुरक्षा घेरा, अगर आपके पास कोई मंत्र नहीं है तो फिर हों नमः शिवाय या ब्रह्म भैरवाय नमः बोल करके एक जल हाथ में लेकर के जहां बैठने वाले हैं उसके चारों तरफ जो है एक घेरा बना लेंगे, उसके अंदर बैठेंगे। ध्यान रखना है कि जो साधना है उस साधना के बीच में कोई भी आवाज़ दे या कोई भी दिखे तो उस पर आपको ध्यान नहीं देना है, ठीक है। तो किसी भी अमावस्या को यह साधना शुरू करेंगे, 1,00,000 का जाप 9 दिन में पूर्ण करेंगे, ठीक है। मंत्र क्या है? ओम नमो भगवती शमशान काली के अमुक विद्वेश विद्वेश हन हन पच पच मथ मथ ओम फट स्वाहा। फिर से सुनिए मंत्र, ओम नमो भगवती शमशान काली के अमुख विद्वेषः विद्वेषः हन हन पच पच मथ मथ ओम फट स्वाहा। एक अंतिम बार फिर से मंत्र को सुनिए, ओम नमो भगवती शमशान काली के अमुख विद्वेषः विद्वेषः हन हन पच पच मथ मथ
ओम फट स्वाहा। तो शुरुआत का लाइन है ओम नमो भगवती शमशान काली के, ये आपने जो भगवती है उसका आह्वान कर लिया। अमुक अमुक के नाम से इसलिए सिद्धि होती है कि जिस पर भी तंत्र चलाना हो बाद में अमुक का नाम हटा करके उसका नाम हम मंत्र में प्रयोग करते हैं। जैसे जो भी शत्रु है आपका, आपकी जब 1 लाख का जाप और 10,000 का जो आप हवन संहिता जब आप डाल देंगे, उसके बाद इस अमुक के जगह जो है उस शत्रु का आप नाम लेंगे, विद्वेषः विद्वेषः, मतलब उसका विद्वेषण हो जाए, हाना हाना पच पचम मथ मथ। ये मंत्र है जो पुराना साबर मंत्र था, उसमें असुरी शब्दों का प्रयोग होता था, ये असुरी शब्द हैं, और ओम फट स्वाहा ये मंत्र जो है स्फुटित हो उसके लिए ये अंत में बोला गया। ठीक है, तो जब आप श्मशान में जाएंगे सबसे पहले बंधन करेंगे, बंधन करके बैठ जाएंगे वहाँ पे, जो भी आपको आसन मिलेगा उसको लेकर के, जो आपका फल प्रसाद है जो कारण है उसको अपने सामने रख के भगवती को अर्पित कर देंगे। अर्पित करने के बाद जो है आँख बंद कर लेंगे और जाप शुरू कर देंगे। ठीक है, रात्रि में इसका जाप करना है, 1 लाख जाप आपका 9 दिन में पूर्ण होना चाहिए, उसी हिसाब से आप इसका विभाजन कर लेंगे। जब 10वां दिन आएगा तो क्या करेंगे आप, खैर की लकड़ी की समिधा, मतलब जो हवन जलता है वो खैर की लकड़ी पर जलेगा। ठीक है, और उस खैर की लकड़ी को आपको जलाना है किस चीज़ से, आपको जलाना है जो श्मशान का आग है उससे। ठीक है, तो जहाँ चिता जल रही हो उसी के आग से ये प्रज्वलित होना चाहिए, आप माचिस जला के इसको नहीं जलाएंगे। ठीक है, और उसके बाद हवन सामग्री क्या रहेगा, नीम के पत्ते, उसको बिल्कुल साफ कर ले धो करके, उसके बाद उसको सुखा ले। सुखा ले का मतलब है कि पानी सूख जाए, सूखना नहीं चाहिए पत्ता, वो हरा ही होना चाहिए। उसमें सरसों तेल मिलाएं, उसमें तिल मिलाएं, उसमें जौ मिलाएं, और उसमें जो है अरवा चावल मतलब अक्षत मिलाएं। इतना मिला करके आप 10,000 मतलब दशांश जो है इसका इस मंत्र से हवन करें। इतना करने के बाद विधान पूर्ण होगा, ये मंत्र आपको सिद्ध हो जाएगा। एक बार आपको मंत्र सिद्ध हो जाएगा तो जो भी व्यक्ति है जिसका विद्वेषण करना है, जो दुष्ट है, ध्यान रखिएगा वो दुष्ट हो, उसने अपनी दुष्टता आपके सामने बताई हो, तो ऐसे व्यक्ति का नाम लेकर के 108 बार इसी हवन संहिता से उसी हवन कुंड में आप हवन कर देंगे। आपके हवन करते ही उसका जो है विद्वेषण शुरू हो जाएगा। ये साधना बहुत संभल कर करेंगे, अगर गुरु हैं आपके पास तो गुरु की निगरानी में करें, नहीं है गुरु तो कोशिश करें किसी साधक को साथ में ले, या किसी साधक को ही आप द्रव्य दे करके उससे जो है ये साधना करवा ले, और अपना जो है शत्रु का जो है थोड़ा सा उच्चाटन कर दें। बहुत ज़्यादा नहीं करना है, बहुत किसी का भी अहित नहीं पहुँचाना चाहिए, वो जो कार्मिक जो उसका फल है वो हम लोगों पर आ जाता है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। एक इसी पे और छोटी बात बता देता हूँ, अगर मान के चलिए कि कोई शत्रु बहुत ज़्यादा परेशान करना है, इतना कुछ आप नहीं कर सकते हैं, तो एक काला कौआ, वो जिसका ग्रे होता है गला वो नहीं, काला कौआ, और एक उल्लू का पंख ले लें। ठीक है, उसमें मसान की एक लकड़ी बांधें और उसको जो शत्रु है उसके घर के आसपास रख दें, उसकी परेशानियां जो है कभी खत्म नहीं होंगी। लेकिन ये तभी करेंगे जब अगला दुष्ट हो, वरना वो परेशानी आपके घर पे होगी। आज के लिए इतना ही, भगवान भैरव आप सभी को सुरक्षित रखे, शत्रु मुक्त रखे, ऐसी मेरी उनसे प्रार्थना है। आप सभी को आदेश आदेश अलख आदेश।